हेलो फ्रेंड्स, और ये है आपका चैनल सम यूजफुल टिप्स बाय जयंती। अक्सर पेरेंट्स को ये कंप्लेन रहती है कि हमारे बच्चे का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। वहीं अगर उनका बच्चा छोटा होता है तो जो पेरेंट्स की प्रॉब्लम है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि छोटे बच्चे को बैठा के पढ़ाई कराना और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। वहीं अगर आप बच्चे को मोबाइल दे दो तो बच्चा बहुत इंटरेस्ट के साथ फ़ोन देखने लग जाता है। वहीं अगर आप बच्चे को पढ़ने बैठा लें तो बच्चे के नखरे शुरू हो जाते हैं। आज मैं आपके साथ ऐसी 5 बातें डिस्कस करूंगी जिन्हें आप बच्चे को पढ़ाई करवाते समय अपनाते हैं तो आप नोटिस करेंगे जो आपका बच्चा है वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ध्यान लगाएगा और अच्छे से कॉन्सेंट्रेट होकर के पढ़ाई करेगा। फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम आज का वीडियो स्टार्ट करें, अगर आपने मेरा चैनल सम यूजफुल टिप्स बाय जयंती को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल सम यूजफुल टिप्स बाय जयंती में आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में वीडियोस लेके आती रहती हूँ। आपने नोटिस किया होगा कि जब बच्चा स्कूल में पढ़ाई करता है तो वहाँ पे बच्चे के पढ़ाई करने के लिए चेयर टेबल होती हैं, और जो टेबल होती है वो चेयर की लेवल से थोड़ी ऊंची होती है। जब बच्चा उसमें बैठ के पढ़ाई करता है तो बच्चे की जो गर्दन होती है वो बिल्कुल नहीं झुकती है, उसके बैक में दर्द नहीं होता है, और बच्चे को रिलैक्स फील होता है, और बच्चा जल्दी थकता नहीं है, और बच्चा बहुत देर तक आराम से बैठ के पढ़ाई कर लेता है। जब भी आप बच्चे को घर में पढ़ने के लिए बैठा लें, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चे को घर में बैठाते समय आप उसे एक अच्छी बैठने का एक अच्छी पोजीशन दें, जिससे बच्चा आसानी से बहुत देर तक का बैठ के पढ़ाई कर ले और एकदम थके नहीं। अगर आप बच्चे को बेड में बैठ के पढ़ा रहे हैं तो आप बच्चे को एक स्टडी टेबल दे सकते हैं, और जो स्टडी टेबल का जो लेवल होगा बच्चे के लेवल से थोड़ा सा ऊपर होगा, जिससे जो बच्चा है वो आसानी से बैठ करके पढ़ाई कर लेगा और उसके गर्दन में या उसके बैक में दर्द नहीं होगा। सबसे पहले तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, जब भी आप बच्चे को पढ़ने के लिए बैठा लें, आपको पूरा बैग लेकर के बच्चे को पढ़ने के लिए नहीं बैठाना है। आपको जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं सिर्फ उसी सब्जेक्ट की बुक और नोटबुक लेकर के बच्चे को पढ़ने बैठाना है। अगर आप पूरा बैग लेकर के बच्चे को पढ़ने बैठा लेंगे तो बच्चे के एक मेंटल प्रेशर हो जाएगा कि अभी मेरे को इतनी सारी पढ़ाई करनी है, तो जैसे ही आप पढ़ने बैठा लेंगे बच्चे के ड्रामे वहीं पर से शुरू हो जाएंगे। वहीं अगर आप बच्चे को सिर्फ एक बुक लेकर के पढ़ने बैठाते हैं तो बच्चे के दिमाग में आता है ये थॉट कि मुझे तो थोड़ी सी ही पढ़ाई करनी है, क्यों ना मैं अपनी थोड़ी सी पढ़ाई फिनिश करके दोबारा से अपने खेलने में लग जाऊं। इससे क्या होता है कि बच्चा कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कर लेता है। अगर आप छोटे बच्चे को पढ़ाने के लिए कॉपी या पेंसिल लेकर के बैठ जाते हैं तो बच्चा बहुत ही बोरिंग फील करता है और बच्चा पढ़ाई में ध्यान भी नहीं लगाता। वहीं अगर आप छोटे बच्चे को पढ़ाने के लिए घर के सामान का यूज़ करें, आप बच्चे को दाल के दाने दे सकते हैं और आप बोल सकते हैं कि बच्चे से इन्हें काउंट करके बताओ कि कितने दाने हैं। वहीं आप कुछ फ्रूट्स दे सकते हैं बच्चे से, उन्हें काउंट करके पूछ सकते हैं कि बच्चे से मुझे काउंट करके बताओ कि यहाँ पर कितने फ्रूट्स हैं। इस तरीके से बच्चा खेल खेल में ही पढ़ लेता है और वो बोर भी फील नहीं करता है। वहीं आप ऐसा भी कर सकते हैं, अपने बच्चे को थोड़े से प्लेट में एक चावल रख करके दे दीजिए और अब आप बच्चे से बोलिए कि इसमें अपनी फिंगर की हेल्प से ए लिख के दिखाओ या फिर 1 2 3 लिख के दिखाओ। इस तरीके से बच्चा उसमें अपनी फिंगर से लिखना इंजॉय भी करेगा और साथ ही में बच्चे की पढ़ाई भी हो जाएगी। जब भी आप बच्चे को कुछ भी पढ़ा रहे हों या कुछ लिखा रहे हों, आपको इस बात का ध्यान देना है कि आपको बच्चे को एक बार में ही पूरा का पूरा लिखने के लिए नहीं देना है या फिर पूरा का पूरा पढ़ने के लिए नहीं देना है। बच्चे को आपको जितना भी आप उसे पढ़ा रहे हों या जो भी आप उसे लिखा रहे हों, उसे टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ाना है। सपोज़ कीजिए, अगर आप बच्चे को लिखा रहे हैं एप्पल से ज़ेब्रा तक का, तो आपको बच्चे को ये नहीं कहना है कि मुझे एप्पल से ज़ेब्रा तक का लिख के दिखाओ। आपको बच्चे को ये बोलना है एप्पल टू फिश लिख के दिखाओ, फिश टू मैंगो लिख के दिखाओ। इस तरीके से आपको बच्चे को धीरे धीरे ज़ेब्रा तक का कंप्लीट करवा लेना। इस तरीके से अगर आप बच्चे को पढ़ाते हैं या फिर लिखाते हैं तो बच्चा उसे बर्डन नहीं समझता है और बच्चा बहुत जल्दी कर लेता है। इस तरीके से अगर आप बच्चे को पढ़ाएंगे तो आप खुद नोटिस करेंगे कि बच्चा पहले से कम टाइम में पहले से ज़्यादा पढ़ाई कर ले रहा है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप जब भी बच्चे को पढ़ाएं, आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप बच्चे को वर्कशीट की हेल्प से पढ़ाएं।
सपोज़ कीजिए आप बच्चे को 1 to 100 लिखने को दे रहे हैं, तो इसमें आपको ऐसा कहना है कि 1 to 100 में से कुछ नंबर्स आपको लिख देने हैं और कुछ आपको बच्चे के लिए ब्लैंक छोड़ देने हैं। तब बच्चे को आपको ये भी कह सकते हैं कि देखो मैंने तो आपकी हेल्प कर दी, इतना काम तो मैंने आपके लिए आसान कर दिया, 1 to 100 आपको लिखना आता, ये मैंने लिख दिया है, बाकी के जो बचे हुए ब्लैंक्स हैं उन्हें आप फिल कर लो। इससे क्या होगा कि आप बच्चे का टेस्ट भी ले पाएंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि बच्चे को कितना आ गया है, और साथ ही में बच्चा उसे इंजॉय करके, बच्चे के दिमाग में ये रहेगा कि मेरे को पूरा 1 to 100 नहीं लिखना है, बस थोड़ा सा ही लिखना है, तो बच्चा इसे आराम से इसे लिख भी लेगा। इस तरह से आप अगर बच्चे को वर्कशीट की हेल्प से पढ़ाते हैं तो बच्चा पढ़ाई को बर्डन भी नहीं समझेगा और बच्चा अच्छे से पढ़ाई कर भी लेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब भी आप बच्चे को पढ़ाएं तो आपको अपने गुस्से में और अपने हाथों में कंट्रोल रखना चाहिए। पढ़ाई के टाइम पे अगर बच्चे को कुछ नहीं आता है या बच्चा शैतानी करता है तब आप बच्चे को मारते हैं, तो बच्चे के मन में पढ़ाई की ये डर बैठ जाता है और बच्चा पढ़ाई से बचने की कोशिश करता है। आप अपना ही एग्जांपल ले लीजिए, अगर आप कुछ नई चीज़ सीखते हैं तो आपको उसको सीखने में टाइम लगता है, आपको एकदम से वो नई चीज़ नहीं आती है। उसी तरीके से बच्चों के साथ भी होता है, जब बच्चे पढ़ाई करते हैं तो बच्चों के लिए जो पढ़ाई होती है वो बिल्कुल नई होती है, उसमें उन्हें थोड़ा टाइम लगता है नई नई चीज़ें सीखने के लिए। पहले तो बच्चे बैठने में उन्हें थोड़ा सा टाइम लग जाता है कि बच्चे को ये समझने में कि उन्हें बैठ करके पढ़ाई करनी है, तो आप अगर बच्चे को मारेंगे डांटेंगे तो बच्चे के अंदर डर बैठ जाएगा और बच्चा आपका हमेशा पढ़ाई से भागेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़ाई करने में इंटरेस्ट ले तो आपको खुद से एक इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि बच्चे को आपको बिल्कुल भी नहीं मारना है, पढ़ाई के टाइम पे बिल्कुल भी नहीं डांटना है, आपको इस तरीके से आपको करना है कि बच्चे को खेल खेल में पढ़ाना है, जिससे आपके जो बच्चे का इंटरेस्ट पढ़ाई में खुद ब खुद डेवलप हो जाए और आपका बच्चा आसानी से पढ़ाई कर ले। आई होप आपको मेरे बताए हुए टिप्स ज़रूर पसंद आए होंगे। अगर आपको मेरे बताए हुए टिप्स पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय।